नमस्कार, पाठशाला डॉट इन्फो के तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने स्कूल का नोटिस बोर्ड, अपने स्कूल के वेबसाइट का नोटिस बोर्ड कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। इसमें अपडेशन के लिए मैंने एक चेक नाम का वेबसाइट बनाया है, जिसमें मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सबसे पहले हम उस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। उस वेबसाइट का यूआरएल है चेकवेब.पाठशाला.info। इसको मैं ओके कर लेता हूं। खुलने के बाद हमें सबसे पहले लॉगिन में जाना है। ये मैंने बताया था कि लॉगिन कैसे करना है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। और लॉगिन में क्लिक किए, अब यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यूज़र नेम में डालेंगे चेक, पासवर्ड भी डालेंगे चेक, लॉगिन। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चेक, पासवर्ड है चेक, लॉगिन। ये देखिए, लॉगिन होने के बाद हमारा डी पैनल खुल गया है। इस डी पैनल के ज़रिए ही हम स्लाइडर का फ़ोटो चेंज कर सकते हैं, जो मूव कर रहा है फ्रंट में होम पेज पे। अपलोड एंड डिलीट, इसमें हम तीन पोर्शन का काम कर सकते हैं, गैलरी, प्रेस रिलीज और अचीवमेंट। ये हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। अभी हम करेंगे नोटिसेस, नोटिस कैसे हम अपडेट करें। तो अभी मान लीजिए कुछ हमें सूचना देना है कि विद्यालय 10 दिन बाद पुनः अपने निर्धारित समय पर चलेगी। तो हम लिखेंगे विद्यालय पंद्रह ग्यारह 2018 को खुलेगी। जो भी आपका नोटिस होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। लिखने के बाद आपको नोटिस का टाइप चुनना है, सेलेक्ट टाइप। तो हम यहाँ पे न्यू चुनेंगे, क्योंकि नोटिस जो है वो नया होगा। अब इसे हम ऐड कर देंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, ये नोटिस जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नोटिस ऐड हो चुका है। नोटिस का आईडी है 19। अगर इसे हम चेक करना चाहें तो हम दूसरे टैब खोल के इसमें देख सकते हैं, चेक वेब। ये देखिए, ये जो मैंने नोटिस अभी लिखा यहाँ पे शो कर रहा है विद्यालय 15/11/2018 को खुलेगी। तो जो नोटिस आप अंदर से अपडेट कीजिएगा अपने डी पैनल से, वो फिर आपको फ्रंट साइड में पब्लिक को वो दिखेगा, वो सबको दिखेगा। और फिर अगर नोटिस का काम आपका ख़त्म हो गया है तो फिर इस नोटिस को पुनः हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हमें नोटिस का आईडी देखना होगा। आईडी नोटिस का क्या है, 19। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट आईडी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलेक्ट आईडी, इसे हम सेलेक्ट करते हैं। आईडी है 19 पे क्लिक किए और डिलीट। अगर एडिट करेंगे तो हम नोटिस में जो लिखे हैं उसमें हम बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ डिलीट करना है, इसलिए ऐसे डिलीट पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पूछेगा आर यू श्योर कि आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम कर देंगे ओके। जैसे कीजिएगा ये डिलीट आपका हो जाएगा, और इसका सीधा इफेक्ट फ्रंट साइड पे आपको दिखेगा। ये देखिए, ये पुराना नोटिस आपको दिख रहा है, तो पेज को आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है। यहाँ से पेज एक बार रिफ्रेश कर लीजिए,
क्योंकि जो आपको दिख रहा था वो पुराना था। अब देखिए पेज रिफ्रेश होने के बाद जो हम नोटिस अभी लिखे थे कि 15 तारीख को विद्यालय खुले के, वो हट चुका है। तो इस प्रकार से हम नोटिस को ऐड कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि गैलरी में हम फोटो कैसे अपलोड करेंगे और डिलीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।